Hey guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. I know I look a little too dressed up today, लेकिन दो ही मौके पर लड़कियाँ थोड़ा ज़्यादा dress up करती है. One when they are feeling extremely amazing, extremely nice, तब अच्छा सा makeup करते हैं. And when they are feeling low, तभी भी. So today I am the second case, but still I'm trying to make myself feel better. And this is my OOTD and old cord set because ये बहुत ज़्यादा comfy है, loose भी है, अच्छा लग रहा है. And I just paired it with some gold jewelry. मुझे पता नहीं if it's looking extra, it's looking okay with a gold watch and चप्पल मैं पहनने वाली हूँ. बैग जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ उसमें बहुत सारा सामान फिट आता है. आई थिंक बड़े दिनों के बाद वी आर सिटिंग इन कॉमेट. इतने दिन से बस ओला ओला में ही घूम रहे हैं हम. बट ओला में घूमने में बहुत मज़ा आता है. बट टुडे आई डोंट लाइक, जस्ट आई डोंट वांट टू गो ऑन द स्कूटी बिकॉज बहुत धूप है बाहर. सो लेट्स गो बाय कॉमेट. एंड कॉमेट को भी निकालना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि कॉमेट को लगे हम उसको इग्नोर करें. वे जस्ट गोइंग बाई ओला दिस डेज. एंड हमको स्काई को लेके आना था. स्काई इज प्रीटी टायर्ड, बहुत खेली है वो आज. तो वी लेफ्ट विद द नैनी. एंड बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो लो, मेरा प्लान था जस्ट घर पर बैठना एंड कुछ नहीं करना. आई वॉज रियली रियली फीलिंग लो. देर आर डेज वेन यू फील एक्सट्रीमली लो, मे बी बिकॉज ऑफ योर पीरियड्स एंड एवरी थिंग एंड हार्मोनल चेंजेस. बट आई वॉज फीलिंग सुपर लो एंड निकल लाइक नहीं शैनस, तो उठ, तू रेडी हो और हम बाहर जा रहे हैं. कभी कभी यू नीड दैट मोटिवेटर इन योर लाइफ ना, जो आपको पुश करे कि चलो चलो चलो. लाइक जब भी आपको लो लगे ना बाहर चले जाओ. लाइक निखिल इज द पुशर इन माय लाइफ, वो हमेशा पुश करता है. एंड आई एम प्रीटी लेट बैक आई वुड से. लाइक मैं हमेशा निखिल बोलती इफ यू नॉट फीलिंग ओके फाइन जस्ट रेस्ट बेबी, तुझे क्या चाहिए खाना. आई डोंट बिलीव इन दैट. पर निखिल वैसा नहीं है. कभी आई एम फीलिंग लो होता है चल बाहर चल, तू रेडी हो तो बाहर चल. कहां जा रहा है वैसे? और आज मैं निखिल को लेके जा रही हूँ द क्रेप्स कैफे. आपने देखा होगा द क्रेप्स, डी क्रेप्स स्पेलिंग डी D for doll, D CREPES. अच्छा आ गया. D Crepes Cafe. देखने दे बहुत सारे. तो ये जो कैफे ना एक्चुअली मैं और लास्ट टाइम लैंड जिनेल और निकिता के साथ गई थी. स्काई के साथ. अरे नहीं, अरे तो अपने हिरंदानी एमरल्ड प्लाजा. अंधेरी अंधेरी. ये वाला अंधेरी. नहीं नहीं नहीं, पोरबंदर रोड अंधेरी है. हाँ, ये अंधेरी नहीं बुलुंड है. तो लास्ट टाइम मैं लैंड जिनेल निकिता और स्काई के साथ गई थी वो कैफे में. एंड दे आर सच अ स्मॉल कैफे बट इट्स वेरी नाइस. अरे क्या मिलेनियल्स कैमरा पकड़ती है. ये दिख रहा है, ये ऐसा पकड़ने रही है. देख हिलता है, बिल्कुल नहीं हिल रहा. मैंने बोला कि निखिल को वो कैफे बहुत पसंद आएगा बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल विच वी लाइक, सिंपल स्वीट प्लेसेस. लेकिन उनका खाना बहुत अच्छा है और बहुत अफोर्डेबल भी है. हमने कहा, मैं निखिल को कब से बोल रही हूँ, जब तू आएगा लेके जाएगा लेके जाएगा लेके जाएगा. तो आज कोई प्लान नहीं था. लेट्स गो देयर. देयर इज नथिंग दैट गुड फूड कैन नॉट फिक्स. लेकिन एक चीज़ तो बोलना पड़ेगा, लोग शाम को कैफे एंड ऑल जाते हैं, हम एकदम और टाइम पे जा रहे हैं. दोपहर के 3 बजे हैं एंड वी आर गोइंग टू अ कैफे. बट वी विल रीच बाय 3:45 प्रोबब्ली द मोमेंट व्हेन वी विल एंटर इज गोना बी 4. सो या सेम टाइम. और कैफे तो पूरा टाइम भरा रहता है यार जाने. बट व्हेन यू फॉलो अ रूटीन इन योर लाइफ, यू डू थिंग्स इन द मोस्ट प्रॉपर सिस्टमैटिक वे. तो पहले मुझे रूटीन बिल्कुल पसंद नहीं था, बट नाउडेज आई लव अ रूटीन. आई फील लाइक रूटीन ब्रिंग्स सो मच ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. And you feel like a grown up. Though I'm in my 20s, like I feel like my head is like 38 or 40 right now because I'm like so matured. कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता है, कभी कभी दुख होता है कि यार इतनी मैच्योर क्यों हूँ मैं. बिकॉज कोई मेरे एज का उतना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता. लाइक वेरी रेयरली यू फाइंड फ्रेंड्स ऑफ योर एज हू आर मैच्योर. सो आई सॉर्ट ऑफ फील लाइक कि इतनी मैच्योर क्यों हूँ. बट निखिल के साथ रहने के बाद आई हैव बिकम दैट मैच्योर पर्सन. आफ्टर बिकमिंग अ मॉम एट अ यंग एज ऑल्सो यू बिकम मैच्योर विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और दोपहर में भी मुंबई की ट्रैफिक से उलझते झुलझते हम पहुँच गए ऑलमोस्ट वर्सोवा. एक्सट्रीमली रेयर इन मुंबई की हम लोग को वहाँ पे पार्किंग मिले जहाँ पे हमारा कैफे है. बट मिल गया. तो ये कैफे एक्चुअली लैंस का फेवरेट था. लैंस ने अभी हमारा फेवरेट बना दिया है. एंड आई होप दैट तुझे भी अच्छा लगे बिकॉज निखिल इज वेरी हार्ड टू इम्प्रेस इन टर्म्स ऑफ फूड बिकॉज ही लाइक्स हेल्दी ईटिंग नाउडेज. वो दिख रहा है छोटे छोटे बेंच लगा हुआ है, वो ही है ये वाली है, ये वाली स्मॉल कैफे बट नाइस. यहाँ पे स्कायू ने उस दिन इतनी मस्ती की है, आई कांट टेल यू. ब्रोकली सूप निखिल का पसंद है तो ये खा रहे हैं सबसे पहले. इट्स कायूज़ फेवरेट ब्रेड स्टिक्स. इफ़ यू आर अ मदर फादर यू कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर किड. हर जगह पे अपने बच्चे का नाम लाना अनिवार्य है. वो दुखी भी होता है, वो क्यों नहीं लाया उसको. बट शी वुड नॉट एंजॉय आउट, शी वॉन्ट्स टू प्ले विद द फ्रेंड्स. सूप इतना बढ़िया था. निखिल बोलता है ऐसी जगह पावे में क्यों नहीं है. मस्त ना. मैं अभी खा रही हूँ सैंडविच, निखिल खा रहा है फ्राइज. बट दिस इज सो यम. Very good, my God.
वाह, निखिल्स वेज फूड लुक्स अमेजिंग. और जब भी मैं पूछती हूँ ना व्हाट्स दिस, तो मुझे स्काई की याद आती है, पूछता है व्हाट्स दिस व्हाट्स दिस व्हाट्स दिस, पर यम्मी यम्मी. हाउ इज इट? वेरी गुड. वाओ, निखिल के बोलने पे मैंने मंगाया था एक्चुअली न्यूटेला क्रेप्स, बट ये हेल्दी क्रेप्स है विद बकव्हीट वर्जन. तो निखिल कैसा लगा? बहुत अच्छा. बेस्ट ना? दे मेक हैंड डाउन द बेस्ट क्रेप्स इन मुंबई. माय गॉड, दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. मजा आ गया आज. थैंक यू बोल मुझे, मैंने अच्छा प्लान बनाया. थैंक यू सो मच. अभी अगला टर्न तेरा है प्लान बनाने का. थके हुए हम स्काई ने सूर्य नहीं दिया, अदर देन दैट इट वाज अ गुड डे. गुड डे, गुड डे. सो इट वॉज एन अमेजिंग फूड डेट एंड डेफिनेटली मेरा मूड काफी ज्यादा अच्छा हो गया, फीलिंग बेटर. एंड इनफैक्ट निखिल को भी खाना बहुत अच्छा लगा. मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. इतना अच्छा था ना कि कुछ खा के आना ही नहीं चाहिए था. हाँ, मैं तो कुछ नहीं खाया सुबह से. आई हैड ईटन नथिंग, दिस इज माय फर्स्ट मील एंड आई ईट लाइक प्रीटी लेस, बट बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड निखिल को तो बहुत मजा आ गया. निखिल का डिनर इज डन एंड अभी हमारा प्लान था कि हम थोड़ा घूमेंगे, पर हैप्पी तो इंदौर में है. एंड प्लस हम लोग को पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएगा बिकॉज द ट्रैफिक इज अ लॉट. एंड आज निखिल और स्कायू का बहुत मतलब साथ में खेलने का बहुत प्लान है. उसकी नानी चली जाएगी, शी गोज बाय 6:30, सो वी हैव टू रीच होम बिफोर दैट एनी हाउ. तो हम 6:18 को पहुंचेंगे, सो we had to rush. Thank God Skyu का चादर था गाड़ी में. I am feeling really cold. I don't know why. Am I the only one who feels cold in the room? ठंडी है, गाड़ी ठंडी है. Thank God ये था. Skyu का smell आता है इसमें मस्त. Skyu महारानी केला खा के बैठी, अभी डाडा will take you to play. चलो. उठ रहे. इतना मस्ती, इतना मस्ती. Skyu, did you miss us? Did you miss us when we went outside? Where is your Masi, Jhooti? Oh, laat maar rahi hai. Kya maza aa raha hai dekha laat maar rahi hai. Arre? डाडा को किस्सू मिल रहा है, मम्मा को किस्सू दो. किस्सू टू मम्मा, गिव किस्सू. किस्सू दो ना इधर किस्सू. बाय बोलो, भाग भाग के आ जाएगी. बाय स्काई. बाय. क्या हुआ? टॉम एंड जेरी देख रही है. कैसे हुआ? मासी आई और मासी स्काई को ये सब सिखा रही है, पेपर बोट, पेपर प्लेन. वेरी गुड, पेपर बोट. अरे बेटा सब कुछ नहीं जाना होता है उसमें, सिर्फ पेपर बोट ही जाता है. स्काई, दिस इज आर कार. Car is this? Yes, car. What's this? Cars. Oh, hey, no. What is this? Cars. Cars. This is Caillou's car. Chalo. कि मैंने 10 दिन से कोई व्लॉग नहीं डाला है, बट दैट्स बिकॉज आई वाज फीलिंग एक्सट्रीमली लो एंड आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंस, बट कभी कभी देयर इज नो रीजन, बट यू जस्ट फील सो लो इन योर हेड, यू हैव नो मोटिवेशन एंड यू जस्ट फील लाइक डूइंग नथिंग बट जस्ट रेस्टिंग. तो मेरा कुछ वैसा ही फेज आया था. आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड और समथिंग, ये कभी कभी होता है और ये सबको ही होता है. आई थिंक आज के टाइम पे सबको ही होता है. एंड सो आई डिसाइडेड दैट आई विल गिव माई सेल्फ अ ब्रेक, बट ऐसा नहीं कि मैंने व्लॉग नहीं किया. हमारे थर्ड एनिवर्सरी के लिए आई वेंट टू नासिक फॉर अ स्टेकेशन विद स्काई एंड निखिल, एंड इट वॉज द मोस्ट स्वीटेस्ट थिंग एवर. हमारे थर्ड एनिवर्सरी के मौके पे वी आर फाइनली रोड ट्रिपिंग इन द ईयर 2024. वी कैन से दिस इज द फर्स्ट छोटा सा रोड ट्रिप, बट वी आर वेरी एक्साइटेड. नासिक जा रहे हैं हम फॉर लाइक अ 2 डेज स्मॉल वीकेंड गेट अवे. एंड आज सुबह बहुत जल्दी उठा था, एक्चुअली सेम टाइम पे उठा था जिस टाइम पे उठते हैं, बट स्कायू को बहुत स्लीप आ रही है, बहुत नींद आ रही है. बस इतना ठंडा वेदर है तो उसका मन करता है सोते जाओ. सो थैंक गॉड आई कैरीड हर बेडशीट एंड हर पिलो. मस्त कोजी होके वो सोएगी फॉर 2 आवर्स अंटिल वी रीच. 3 आवर्स लगेंगे. एंड टुडे आवर कार हैज चेंज्ड बिकॉज निखिल ने ये कार लिया. कौन सा वाला है? दिस इज ऑडी RS5.
एक घंटे सोने के बाद मैडम उठी है और दूध पी रही है महारानी जैसे एकदम मस्त झूला इफेक्ट बिल्कुल मेरे ऊपर गई है बिल्कुल तू भी ऐसा ही सोचती थी पूरा फुल टाइम वी कम टू स्टारबक्स स्कायू स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक दिस स्कायू इज अ स्कायू थिंक स्टारबक्स इज अ हाउस मामा बहुत खुश हो जाती ब्रेक लिया तो स्कायू के लिए वी गॉट दिस टॉय प्लेट स्काई हाउ टू स्टार्ट इट ये बढ़िया अच्छी है खुद ही उड़ गई टाइम पे यस किटलू यू हैव रीच डैड इज फ्लाइंग ड्रोन दिस इज आवर वेकेशन स्पॉट फॉर द वीक ओ वाओ दैट्स नाइस स्कायू दिस इज योर स्टेकेशन होम नाउ फॉर सम टाइम So we are going to stay in this beautiful Aqua Vista villa for the next 2 days. You like it? That's a pool. Yeah. Yeah. Don't jump into it. What's your daddy? वो birds का पानी चाहिए. Yeah. Wow. No? You don't have to take a bath now. What's that? Water. Water. वेरी गुड बट यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड मिलता है एंड स्कायू का फेवरेट रोटी गुड गर्ल अरे दिस इज आवर लवली रूम एक रूम उस साइड पे है आई विल शो यू गाइस सो दिस इज वन रूम सो ब्यूटिफुली मेड लव इट इट्स सच अ स्पेशियस वेरी नाइस ब्यूटिफुल रूम एंड फिर दिस इज वॉशरूम दिस इज द लिविंग रूम बहुत ही बड़ा सा ब्यूटिफुल बैल्कनी है एंड दिस इज रूम नंबर टू वेयर वी आर स्टेइंग सच अ ब्यूटिफुल रूम एंड द वॉशरूम हैज प्लांट्स इट्स सो लवली सो नाइस ऑल द टाइम मैं निखिल को बोलती रहती हूँ कि वी शुड टेक अ वेकेशन वेयर वी डोंट वर्क एट ऑल आई थिंक दिस इज दैट काइंड ऑफ वेकेशन फॉर मी आई एम नॉट वर्किंग आई एम जस्ट लाइंग डाउन ऑन बेड रेस्टिंग इतना नहीं मैंने एक घंटे का ब्रेक लिया फटक से एंड पीछे बहुत ब्यूटीफुल सनसेट भी हो रहा है बहुत ब्यूटीफुल एंड दिस रैबिट्स स्काई यू गॉट अ न्यू फ्रेंड डिस्कवर्ड ऊपर टेरेस में सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू सिट डैडी इज कमिंग डैडी इज कमिंग सिर्फ डैडी को ही बुलाते हैं डैडी लाइंग इफ आई से कि सबसे ज्यादा फन जो है सिर्फ स्काई को ही हो रहा है यहाँ पे लाइक शी इज हैविंग मोस्ट फन This is scary, Sky. Come at the back. You can fit right inside it. चलो चलो मॉर्निंग है ये स्कायू का साइरन सुबह सुबह चल रहा है क्योंकि शुगर पूरा हर जगह पे गिराना है अभी वो उधर रख के आया निकल Hi rabbit. Actually they want Skyu. They like Skyu. He's thinking you are giving carrots.
You want carrot ring, diamond carrot. Look at the nose na. Smelling na. बोलता है कुछ खाना है ही नहीं, ऐसे ही बुला रहा है ये हम लोग को टाइम पास. गुड ब्रेकफास्ट टेबल और स्काई का ड्रामा शुरू सुबह. नो, एट होम नॉट हियर नाउ. ओके भाई, मजे चल रहे इस ट्रिप पे ये व्यू के साथ. स्काई की मस्ती. नासिक ओपन चल रहा है इधर. नासिक मुंबई ओपन. नासिक मुंबई ओपन. अबे यहाँ नहीं स्कूल टाइम पे मैंने बहुत किया था स्कूल टाइम पे. स्काई ने खुद रिकॉर्डिंग ऑन किया और रिकॉर्ड कर. मिस्टेक्स ऑफ गोइंग इन द वाटर. स्काई ने सबको फंसा दिया बेचारे, इसके वजह से पूल में गए और ये खुद पूल से बाहर है. एंड स्काई को कल मैंने मस्ती मस्ती में इसके अंदर डाल दिया था, अब उसको इससे बाहर ही नहीं निकलना है. कल उसने इतना नाटक किया रात को बाहर निकलने के लिए खाना खाने के बाद की पूछो मत. और अभी भी आया तो बोलती जूता निकाल और सीधा अंदर डाल दे. स्काई कैन आई हैव सम, कैन आई हैव सम. उसकी मूड आती तभी देती है वो. ओके ओके ठीक है. तो मैंने क्या बोला, तूने बोला गिव सम स्टोन टू डाडा, मैंने बोला गिव स्टोन्स टू डाडा. हाथ की छाछ की उसका स्कायो लीव्स स्कायो सब में इसको थोड़ा ऊपर रखा है, ऊपर को खड़ा रहेगा. ए ए ए ए Kayu is busy with her arts and paint class. I think this is the kind of vacations Kayu needed. Honestly, like rabbits ke saath khelna, dust ke peeche bhagna, swimming karna, drawing karna, mitti mein khelna. Ekdam perfect getaway tha Kayu ke liye. Iske saath hum aisa aur bahut kuch karenge. It was truly the most relaxing 2 days of my life. Itna achha laga hum log ko. No better way to celebrate our anniversary. इतना अच्छा लगा है हम सबको. एंड नाउ इट्स ऑलरेडी टाइम टू गो होम. तो हम लोग अभी घर जाने वाले हैं. एंड आई एम श्योर कि स्कायू को सबसे ज़्यादा मिस होगा ये जगह, बिकॉज सबसे ज़्यादा मज़ा उसने किया है. बट दिस वॉज सो वर्थ इट. और वहाँ से निकलते ही हमारी छोटी सी बेबी सो गई है अच्छे से. आई थिंक अभी तक मुंबई तक सोएगी. Guys, that's it for this vlog. Because अभी vlog थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं और vlog किया. So thank you so much for watching. I will see you guys on next one. And life with a toddler की हमारे घर में अलग अलग कांड होते रहते हैं. तो बेचारे निखिल के साथ भी कुछ कांड हो गया. कांड बता निखिल क्या हो गया. खून. बेचारे के नाक से खून निकल रहा. कैसे हुआ ये. खेल रहा था स्काई ने हमने हाथ डाला ऐसे काट दिया अंदर. Which is very dangerous. I'm telling you. कभी कभी इतने जोर से मारती ना क्या खून निकलता है. The price you have to pay to be a dad, man. Are you okay? Yeah, okay.